हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2017-20 के हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर कल आप देर रात BSc और BA का रिजल्ट जारी करवाएं यूनिवर्सिटी पर प्रेशर बना के। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ छात्रों का रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है। कुछ छात्र ये भी शिकायत किए हैं कि सर हम आंसर किसे मिलाए थे तो मेरा 92 मार्क्स आ रहा था और 18 ही नंबर दिया है। तो क्या है इस पर पूरा निदान बता दीजिए BSc BA रिजल्ट पर। BEd का लास्ट डेट 7 तारीख तक है, लेकिन आपको बता दें विलम्ब शुल्क के साथ आप 8 से 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, 12 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। तो एनी टाइम पढ़ाई मंत्र आपसे रिक्वेस्ट करता है, अगर आपको मार्कशीट मिल जाएगा तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि आवेदन करने के बाद 12 तक पेमेंट करने का मौका दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स में आपको निदान बताते हैं, पाठ्यक्रम मार्कशीट डाउनलोड करके दिखाते हैं। आंसर किसे कम नंबर मिला, रिजल्ट नॉट फॉन्ड बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी शिकायत कर रहे हैं कि हम जिस हिसाब से लिखे थे उस हिसाब से नंबर नहीं आया है। कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर हम एग्जाम दिए थे और हमको अब्सेंट कर दिया गया है। तो पूरा इसका निदान आपको इस वीडियो में बता देते हैं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्र छात्रों का आवाज़ है, आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करती है। कल भी दिन रात हमारी टीम लगी रही आप लोग के सेवा में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप VKSU के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पर लिखना है stresult.com, stresult.com, stresult.com। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। कल 60,000 छात्र हमारे वेबसाइट से रिजल्ट को देखे हैं, सभी को दिल से थैंक यू है। अब देखिए यहाँ पर VKSU पाठ्यक्रम रिजल्ट 2021, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। कल देर रात छात्र परेशान हो रहे थे क्योंकि रिजल्ट को हटा दिया गया था, तो कुछ तकनीकी कारणों से हटाया गया था, फिर रिजल्ट को अपलोड कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ से आप BCom का रिजल्ट देख सकते हैं, BSc का और BA का देख सकते हैं। और मार्कशीट डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप BCom का, BSc का और यहाँ से आप BA का मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। 60,000 प्लस स्टूडेंट डाउनलोड किए हैं stresult.com से, सभी को दिल से थैंक यू है। अब देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट में कुछ भी गड़बड़ी है, आपका नंबर जितना लिखे उतना नहीं आया है या एब्सेंट कर दिया गया है, तो देखिए आपको रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म भर देना है। आप कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, तो ऐसा आपका एक संख्या दो संख्या नहीं है। साइंस में लगभग 1500 और आर्ट्स में लगभग देखा जाए तो यहाँ संख्या 2400, मिला के लगभग 4000 छात्रों का रिजल्ट को पेंडिंग किया गया है। तो वैसे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग इसलिए हुआ है क्योंकि विश्वविद्यालय आरा के पास पार्ट 1 पार्ट 2 का वैसे छात्रों का डाटा नहीं था। तो आप रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म भर दीजिए, उसमें पूरा विवरण डाल दीजिएगा, TR पार्ट 1 पार्ट 2 का 1 MB से कम में अपलोड कर दीजिएगा। आपको ईमेल के माध्यम से ही रिजल्ट सुधार करके भेज दिया जाएगा। तो चलिए कैसे फॉर्म को भरना है पूरा डिटेल्स में बता देते हैं। कुछ छात्रों का शिकायत आ रहा था, रिजल्ट अपना भेजे थे कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में मार्क्स है नहीं फिर भी हमको पास कर दिया गया है, या पार्ट 1 200 ऑनर्स होता है, पार्ट 2 200 ऑनर्स होता है, पार्ट 3 400 ऑनर्स होता है, तो ये 400 पार्ट 2 में दे दिया है और पार्ट 2 वाला पार्ट 3 में 200 दे दिया है। तो ये सब टेक्निकल फॉल्ट है, आप मार्कशीट अपने कॉलेज से जाके ले सकते हैं, क्योंकि कॉलेज को 6 तारीख कब 6 तारीख को ही ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा विश्वविद्यालय के तरफ से, और कॉलेज अपने स्तर से आप लोग को दे देंगे मार्कशीट वगैरह जो भी है। तो कॉलेज से आप संपर्क कीजिए, जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको फ़ोन कीजिए, और कॉलेज हो सके तो ऑनलाइन स्तर पे भी आपको प्रोवाइड करा दे। तो कॉलेज से आप संपर्क कर सकते हैं, आज देर शाम तक विश्वविद्यालय आपके कॉलेज में मार्कशीट को भेज दिया जाएगा। क्योंकि देखिए BEd का फॉर्म भरना था इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय पर प्रेशर बना के आप लोग का जल्दी रिजल्ट जारी करवाए हैं। अब देखिए रिजल्ट करेक्शन का फॉर्म कैसे भरना है, तो BSc वाले यहाँ पर क्लिक हियर पर करेंगे रिजल्ट करेक्शन फॉर्म फिल होगा, BA वाले को यहाँ से करना है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है शिकायत फॉर्म और इसी के नीचे आना है BCom वाले यहाँ से, BSc वाले यहाँ से और BA वाले यहाँ से। चलिए एक फॉर्म का नमूना भर के दिखाते हैं। BSc वाले यहाँ पर क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रोम पर क्लिक कर देना है, क्रोम पर क्लिक करिए कीजिएगा तो आपके सामने देख सकते हैं पूरा ऑनलाइन फॉर्म ये आपके सामने शो होने लगा।
स्टूडेंट, लॉकडाउन लग गया है और सारे स्कूल कोचिंग बंद हो गए हैं, तो आप कैसे तैयारी कीजिएगा? तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अन अकेडमी कॉम्बैट टेस्ट, जहां आप टेस्ट दे के अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं। ये आपको यूज कोड पढ़ाई 10 PADHAI पढ़ाई 10 कूपन लगाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पढ़ाई 10 कूपन लगाइएगा तो फ्री में टेस्ट दे पाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर टेस्ट में पूरा एनालिसिस दिया जाएगा। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन टॉप एजुकेटर के द्वारा दिया जाएगा। टेस्ट में आपको 60 मिनट का टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 30 सुपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीकली कॉम्बैट होता है, निगेटिव स्कोरिंग भी मिलता है अगर आप गलत करते हैं तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये कॉम्बैट होता है। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और PADHAI पढ़ाई 10 कूपन लगाइएगा तो फ्री में टेस्ट दे पाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका टेस्ट में रैंक अच्छा आता है तो आपको यहाँ प्राइज दिया जाएगा। रैंक 1-3 को कंप्लीटली अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए फ्री में मिलेगा। वही रैंक 4-10 को 75% ऑफ मिलेगा। रैंक 11-50 को 55% ऑफ। वही 51-300 को 25% ऑफ मिलेगा अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो देर है किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर PADHAI पढ़ाई 10 कूपन लगाइए और अन अकेडमी कॉम्बैट का टेस्ट दीजिए। टेस्ट का डेट है 9 मई। तो देखिए, जो भी ये आपका फॉर्म शो हो रहा है उसको पूरा डिटेल्स में भरना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपना देना है। याद रहे, ईमेल आईडी आपको सही देना है, क्योंकि ये जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं इस ऑनलाइन फॉर्म का सुधार और निवेदन भी ऑनलाइन ही होगा, और जो आप ईमेल दिए हैं ईमेल पर ही कंप्यूटर सेंटर के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। और अब मान लीजिए आपका नंबर कम है तो ये लोग सुधार करके नंबर बढ़ा के जो भी मतलब निदान होगा रिजल्ट का, ये आपको ईमेल पर ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना। याद रहे, मोबाइल और ईमेल आईडी डालना बहुत जरूरी है और भी सही डालना है, क्योंकि यहीं पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कंप्यूटर सेंटर के द्वारा। इसके बाद यहां पर आपको कॉलेज का नाम डालना है, यहां पर आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कहां आपका सेंटर था, और यहां पर देखिए सुधार का श्रेणी है मतलब आपका क्या दिक्कत है, यहां पर सेलेक्ट करना है। अगर आपका घोषित परीक्षा फल में रोल नंबर नहीं है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स गलत है, मान लीजिए आप पास हैं और प्रमोट लिख दिया है, तो आप ये कर सकते हैं सेलेक्ट। अंकों का योग गलत है मतलब मान लीजिए कुछ अंक का जोड़ में गलत किया गया है, तो ये टिक कर सकते हैं। मेरा नाम में अंक पत्र, जो भी आपका अंक पत्र है उसमें आपका नाम अगर गलत है तो यहाँ पर ये कर सकते। देखिए, ये सब सुधार आपका ऑनलाइन ही हो रहा है इस बार। उसके बाद दिखाई जा रही पंजीयन संख्या गलत है तो ये कर सकते हैं टिक। मेरा विषय समूह गलत है तो ये टिक कर सकते हैं। मेरे महाविद्यालय का नाम गलत है तो ये कर सकते हैं। और देखिए, मैं उपस्थित था लेकिन ABS दिखा रहा है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा परीक्षा फल में ऐसा दिखा रहा है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अंक योग करने का निवेदन मतलब आप चाहते हैं कि आपका जिस हिसाब से नंबर, देखिए जो लोग को लग रहा है कि आंसर किसे मिला है नंबर कम आया है, जितना लिख के नंबर कम आया है, तो ये सेलेक्ट कीजिएगा। दोबारा अंक योग करने का निवेदन, दोबारा से अंक को ये लोग पूरा अच्छा से जोड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ और शिकायत है तो यहाँ पर अन में क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ये सब सुधार आपका यहीं से हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आइएगा तो आगे नेक्स्ट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी विवरण आएगा जैसे जैसे आपको भर देना है। यहाँ पर ध्यान रहे, आपको अगर मार्कशीट मांगता है तो TR मांगता है, तो TR Part 1 का और Part 2 का आपको बढ़िया से उसको मोबाइल से फ़ोटो लेकर उसको PDF बना लेना है। और कितना में? 1 MB के अंदर में। कितना? 1 MB के अंदर में ही आपको TR Part 1 Part 2 का उसको बना के बढ़िया से और इसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और लास्ट में आपका यहाँ पर आएगा सबमिटेड। क्या आएगा? सबमिटेड। सबमिटेड कर दीजिएगा तो जो भी सुधार है आपका ईमेल के माध्यम से ही हो जाएगा। जो भी देखिए इतना प्रॉब्लम जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये सबका निदान ऑनलाइन ही हो जाएगा। ध्यान रहे, ईमेल आईडी दीजिएगा, सही ईमेल आईडी पर ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। छात्र परेशान हो रहे थे तो हमने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना कि आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। और भी जो डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, शाम में भी टाइम मिलेगा तो आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।